नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। कल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया, जिसकी वजह से एक एक पॉइंट जो है दोनों टीमों को दिया गया। और ऐसे में आज भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि कहीं भारत और आयरलैंड के बीच मैच में भी बारिश का साया तो नहीं होगा, क्योंकि अगर बारिश आती है तो यहाँ पर मैच का जो मज़ा है ना वो खराब हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या आज के मैच में बारिश होने की संभावना है, और अगर नहीं है तो क्या पूरा मैच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसी होगी भारतीय टीम, किसके चांसेस है, सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। अगर बात की जाए बारिश की, तो मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए रहेंगे, बादल वहां पर रहेंगे पूरे मैच, और जैसे जैसे मैच अंत की तरफ जाएगा वहां पर मौसम बिगड़ने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। पर मैच के दौरान खलल होने की स्थिति में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस समय बारिश की संभावना ना के बराबर बताई जा रही है। 23% जो अनुमान है कि वहां पर बारिश हो सकती है, पर बादल छाए रहेंगे। और बात की जाए अगर पिच की, तो ये ड्रॉप इन पिच है, आप सभी को बता दें न्यूयॉर्क के मैदान पर ये मुकाबला खेला जाएगा। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि किस हिसाब से ये पिच बिहेव करेगी, पर इतना तो जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बाउंस होगा, पर आउटफील्ड जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस मैच में देखा, अब आउटफील्ड बहुत ही कह सकते हैं कि बेकार आउटफील्ड है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चौके देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर छक्के मारकर ही आप रन बटोर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर भी देखने को नहीं मिल सकता ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि आउटफील्ड बहुत स्लो है, बारिश होने की संभावना बहुत कम है, यानी कि पूरा मैच देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की तरह जो बारिश की वजह से मैच का जो मज़ा है वो किरकिरा होगा। भारत और आयरलैंड के बीच ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। प्लेइंग 11 पर नज़र रहेगी, 7:30 बजे तक हमें पता लग जाएगा कि कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11, और क्या सच में यशस्वी जायसवाल बाहर होंगे, संजू सैमसन क्या होंगे नहीं होंगे, यूजी चहल की जगह बनती नहीं मिलती, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो लगातार आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मेरे साथ स्पोर्ट्स बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।